दोस्तों सर्वोकॉन कंपनी का एसी का ये स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आया है। इसे चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों सीरीज में मैंने इसको लगाया है लेकिन ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। मीटर भी इसका नहीं चल रहा और रिले भी कोई ऑपरेट नहीं हो रही। दोस्तों इसको मैंने ओपन कर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसमें तीन रिले लगी हुई हैं, ये 170 वोल्ट से काम करता है। और दोस्तों इधर के साइड मीटर में ही इसका सर्किट है, इसका सर्किट ख़राब हो चुका है। इसमें यहाँ पर एक 7805 लगा था जो देखने में ट्रांजिस्टर की तरह था, वो ख़राब था, 5 वोल्ट रेगुलर सप्लाई नहीं दे रहा था। तो उससे मैंने चेंज किया लेकिन फिर भी ये स्टेबलाइजर ऑन नहीं हुआ क्योंकि इसकी ये माइक्रो ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें हम माइक्रो सर्किट लगा के इसे ओके करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें माइक्रो सर्किट चल जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी जो टेपिंग है उसे चेक करेंगे और जो टेकर के वोल्ट होते हैं उसे चेक करेंगे, क्योंकि माइक्रो सर्किट को चलाने के लिए कम से कम 14 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि 170 वोल्ट से काम करने वाले स्टेबलाइजर में माइक्रो सर्किट को लगाने के लिए कौन कौन सी टेपिंग पे कितने कितने वोल्ट आते हैं और टेकर के वोल्ट कितने होने चाहिए। दोस्तों जो रिले इसमें लगी हुई हैं इन्हीं रिलो पर हम माइक्रो सर्किट को चलाएंगे, लेकिन इस सर्किट से हमें रिले को फ्री कर लेना है। और ये जैक टेकर का है, इसमें हमें टेकर के वोल्ट चेक करने हैं, लेकिन पहले हमें टेपिंग चेक करनी है, उसके बाद टेकर के वोल्ट चेक करने हैं। दोस्तों ये मेन लीड की वायर है जो रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर लगी हुई है और कॉमन वाला पॉइंट रिले के पहले वाले पॉइंट से मिला होता है। अगर दोस्तों टेपिंग को हम ऐसे ही चेक करेंगे तो ठीक से चेक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें जो पहली वाली टेपिंग है ये आप देख सकते हैं इस पर एक लिखा हुआ है, इसे इनपुट देनी है। तो इनपुट वाली टेपिंग को मैं इस बीच वाली टेपिंग से जोड़ दूंगा और बाकी सारी टेपिंग को रिले पे से हटा दूंगा। ये वाली दोस्तों दूसरी टेपिंग है, इस पर लिखा है, और ये तीसरी है। दोस्तों ये टेपिंग जो है ये तीसरी वाली टेपिंग से 10 वोल्ट ज़्यादा होती है। जितने वोल्ट तीसरी वाली टेपिंग पर आएंगे उससे 10 वोल्ट ज़्यादा इस टेपिंग पर आएंगे। मेन लीड की वायर को मैंने पहली वाली टेपिंग के साथ जोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं एक लिखा है, ये पहली वाली टेपिंग है। अब हमें इन तीनों टेपिंग पर वोल्ट चेक करने हैं। दोस्तों 170 वोल्ट से स्टेबलाइजर को बनाने के लिए केवल हमें एक टेपिंग ही चाहिए, बस 200 वोल्ट की, जिस पर 200 वोल्ट आएंगे 170 पर वो टेपिंग हमें लगानी है। मल्टीमीटर से हम वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने एसी वोल्ट पर सेट कर दिया है और मीटर की एक लीड को मैंने न्यूट्रल पर लगा दिया है और दूसरी वाली लीड से हम वोल्ट चेक करेंगे। तो उसको मैंने डिमर से लगा दिया है, अब डिमर से वोल्टेज बढ़ाकर वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 150 वोल्ट दूंगा। अब टेपिंग पर वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों इसका सर्किट है, इसको मैं नीचे लगा देता हूँ जिससे कि मीटर में देखने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम तीसरी वाली टेपिंग पर वोल्ट चेक कर लेते हैं, 180 वोल्ट आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको 150 वोल्ट दिए हैं। अब 170 वोल्ट में इसको दे देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों 200 वोल्ट आ गए हैं। 170 मैंने एक टेपिंग को दिए हैं पहली वाली और तीसरी वाली टेपिंग पर 200 वोल्ट आ गए हैं। दोस्तों इन दोनों टेपिंग से ही ये स्टेबलाइजर तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं आपको और भी टेपिंग चेक करा देता हूँ। इस टेपिंग पे दोस्तों 170 वोल्ट आने चाहिए, 172-173 वोल्ट आ रहे हैं इस पर,
अब दोस्तों इस वाली टेपिंग को चेक कर लेते हैं, इस पर 10 वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, 210 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों इस टेपिंग का यूज़ हम वोल्टेज डाउन करने के लिए कर लेंगे, तो ये टेपिंग भी हम लगा देंगे। अब 170 वोल्ट देकर 200 वोल्ट आ रहे हैं, तो तभी हमें टेकर के वोल्ट चेक करने होते हैं। अब मैं टेकर के वोल्ट चेक करके आपको दिखा देता हूँ। चौदह वोल्ट दोस्तों आ रहे हैं, 14 वोल्ट पर माइक्रो सर्किट आराम से चल जाएगा। दोस्तों इस स्टेबलाइजर में जो चाइना की रिले लगी हुई थी, हमें वही रिले को लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें तीन रिले लगी हुई हैं और जो ये ब्लैक कलर की रिले है, ये टाइमर हाई कट की हो जाएगी, ये आउटपुट की और ये वाली इनपुट की हो जाएगी। और दोस्तों बाकी जो उस पर सर्किट पे कंपोनेंट लगे थे वो मैंने सब हटा दिए हैं। ये दो पॉइंट रिले को ऑपरेट करने के लिए होते हैं और इस पर काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे थे वो मैंने सब हटा दिए हैं, क्योंकि हमें केवल रिले ही यूज़ करनी है, बाकी इसका कुछ यूज़ नहीं करना है। रिले को ऑपरेट करने के लिए इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए थे वो सब मैंने हटा दिए हैं, रिले बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब दोस्तों इन तीनों रिले की वायरिंग हम कर लेते हैं। दोस्तों रिले की वायरिंग मैंने कर ली है, इसमें आप देख सकते हैं रिले को ऑपरेट करने के लिए दो पॉइंट होते हैं, उनमें से एक पॉइंट को हमें ब्लैक वायर से कॉमन कर देना है। ब्लू कलर की वायर मैंने टाइमर के रिले पर लगाई है और येलो कलर की वायर मैंने आउटपुट के रिले पर लगाई है, रेड कलर की वायर मैंने इनपुट के रिले पर लगा दिया। इन चारों वायरों को हमें माइक्रो सर्किट में लगा लेना है। माइक्रो सर्किट में भी मैंने ये चारों वायर लगा दिए। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं L और T जो लिखा है, यहाँ पर टीकर की वायर लगती है, उसके बाद कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन पर काली वायर हमने लगा दी है और कॉमन के बाद एक पॉइंट हमें छोड़ देना है और उसके बाद इनपुट वाली वायर को लगाना है, फिर आउटपुट वाली वायर को लगाना है और सबसे लास्ट में टाइमर वाले रिले की वायर को लगा देंगे। अब दोस्तों स्ट्रिप में जो आउटपुट की वायर लग रही है उस वायर को टाइमर वाले रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर लगा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों काली वाली जो रिले है वो टाइमर वाली है और उसके कॉमन वाले पॉइंट पर मैंने जो स्ट्रिप से आउटपुट की वायर आ रही है वो मैंने लगा दिए। रिले में तीन पॉइंट होते हैं और ये कॉमन पॉइंट है, जब रिले ऑपरेट नहीं होती है तो ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला होता है और जब रिले दोस्तों ऑपरेट हो जाती है तो ये कॉमन वाला पॉइंट रिले के इस वाले पॉइंट से मिल जाता है। तो इस पर हमें एक वायर को लगाना है और इस वायर को ले जाकर आउटपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर लगा देना है। हमारी आउटपुट की रिले ये वाली है और इसका कॉमन पॉइंट दोस्तों ये वाला है, इस पॉइंट पर लिखा भी होता है दोस्तों कॉमन, तो इस वाले पॉइंट पर हम उस वायर को लगा देंगे। अब वो ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग को रिले पर लगा लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों रिले की वायरिंग भी मैंने कर दी है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मैंने कौन सी वायर कौन सी वाले पॉइंट पर लगाई है। ये आप देख सकते हैं इनपुट की रिले है और इसके कॉमन वाले पॉइंट पर मैंने मेन लीड की वायर को लगा दिया है। दोस्तों ये वाली ट्रांसफार्मर की पहली टीपिंग है, ये इनपुट वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगी हुई है। और जो ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली टीपिंग है इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसको टेप लगा कर बंद कर दिया है। ट्रांसफार्मर की पहली टीपिंग के साथ एक हमने वायर को जोड़कर आउटपुट वाली रिले के बीच वाले पॉइंट पर उसको लगा दिया है। आउटपुट वाली रिले के पहले वाले पॉइंट पर तीसरी टीपिंग को हमने लगाया है और उसके बाद जो 10 वोल्ट ज़्यादा वाली टीपिंग है उसको हमने इनपुट वाली रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगा दिया है और आउटपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट से एक वायर को ले जाकर हमने टाइमर वाली रिले के बीच वाले पॉइंट पर उसको लगा दिया है। इस तरीके से दोस्तों माइक्रो सर्किट लगाने के लिए वायरिंग की जाती है। माइक्रो सर्किट में मैंने टीकर के तार लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं ये टीकर के तार हैं और ये मैंने माइक्रो सर्किट में लगा दिए हैं। अब इनपुट आउटपुट देखने के लिए दोस्तों हमें ये मीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि
इस स्टेबलाइजर का मीटर में ही सर्किट होता है, सर्किट खराब हो गया इसलिए मीटर भी इसका नहीं चल रहा। मीटर को इनपुट देने के लिए हमें इनपुट वाले रिले के कॉमन वाले पॉइंट से एक वायर को उठाना है और एक वायर टाइमर वाले रिले के कॉमन वाले पॉइंट से उठाना है, और उन दोनों वायर को हमें इस टॉवल के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर लगा देना है। दोस्तों मैंने इनपुट आउटपुट देखने के लिए टॉवल लगाया है, इसमें तीन पॉइंट है, और टॉवल के बीच वाले पॉइंट से एक वायर को उठाकर मैंने मीटर पर लगा दिया है और एक न्यूट्रल से वायर को ले जाकर मीटर पर लगा दिया है। मीटर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस स्टेबलाइजर की डिस्प्ले काफ़ी छोटी है, इतना छोटा मीटर मार्केट में नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे ये मीटर लगाना पड़ा। इस टॉवल को ऊपर और नीचे करने पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज मीटर दिखाएगा। माइक्रो सर्किट में दो पिन का एक जैक लगा हुआ है, इस पर हमने वाइस होम की रेजिस्टेंस को लगा दिया है जिससे कि टाइमर 10 से 15 सेकंड में आ सके। अब दोस्तों हम इसको इनपुट वोल्टेज दे देते हैं। डिमर से मैंने इसको लगा दिया है और 176 वोल्टेज मैंने इसको दिए हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों डाइमर इसका आ चुका है, 205 वोल्टेज ये निकाल रहा है। डिस्प्ले इसकी छोटी है और मीटर की डिस्प्ले बड़ी होने के कारण दोस्तों ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़े डिजिट इसके कट रहे हैं लेकिन 207 वोल्ट ये दिखा रहा है। अब इसको सेट करने के लिए हमें डिमर से वोल्टेज को बढ़ाना है, 250 वोल्टेज हमें करने हैं। आउटपुट के 250 वोल्टेज हो चुके हैं। अब हमें प्रीसेट को घुमाकर इसको सेट कर लेना है। दोस्तों ये प्रीसेट होता है इसे सेट करने के लिए, तो इसको हमें बस एक बार ही घुमाना होता है, 250 वोल्ट करके इसको हम घुमा देंगे और पहला स्टेप लग जाएगा, बाकी सेटिंग इसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रीसेट को घुमाया 211 वोल्टेज आउटपुट के हो चुके हैं, पहला स्टेप इसका लग चुका है। अब हम डिमर को बढ़ाकर बाकी स्टेप चेक कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों सेटिंग इसकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 311 वोल्टेज हो चुके हैं और 250 वोल्टेज से कर्व निकाल रहा है और 260 के बाद इसमें हाई कट हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हाई कट हो चुका है, आउटपुट बंद हो चुकी है। अब मैं वोल्टेज को कम कर दूंगा, अब आप देख सकते हैं इसका टाइमर आ जाएगा, ये टाइमर आ चुका है और बल्ब भी इससे जल रहे हैं, 207 वोल्टेज से आउटपुट निकाल रहा है इस समय। दोस्तों इस माइक्रो सर्किट को सेट करना काफ़ी आसान है, बस एक बार प्रीसेट को घुमाना होता है और ऑटोमेटिक सारी सेटिंग इसकी हो जाती है। 202 वोल्टेज दिखा रहा है, थोड़े से इसके डिजिट कट रहे हैं। दोस्तों इस स्टेबलाइजर का सर्किट खराब होने पर इसमें माइक्रो सर्किट लगाकर और इस तरह की वायरिंग करके आप इस स्टेबलाइजर को ठीक कर सकते हैं। ये स्टेबलाइजर बिल्कुल ठीक हो चुका है।